आप देखना शुरू कर दिए बीपीएस न्यूज में हूँ संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रहा है नालंदा जिला से, जहाँ बता दें कि नालंदा जिला के हिलसा थाना क्षेत्र के कमटा होल्ड के पास एक अनियंत्रित बस गड्ढे में पलट गया है। घटना की जानकारी मिलते ही हिलसा थाना के थानाध्यक्ष अभिजीत कुमार दलवल के साथ में यहां पहुंचे और घटना की पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं। पलायन कर रहे प्रवासी मजदूर से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गए, जबकि एक मजदूर की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसा शुक्रवार की शाम का जो कि हिलसा थाना क्षेत्र के कमता होल्ड के पास घटी है। हादसे में घायल मजदूरों को निजी अस्पताल में तो कुछ अनुमंडलीय अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कमता गांव से करीब 250 मजदूर अपने पूरे परिवार के साथ ईंट भट्टा पर काम करने के लिए पलायन कर रहे थे। प्रवासी मजदूरों से भरी बस हिलसा से कामता गांव से चंडी के लिए जा रही थी, जहां दूसरे बस पर सवार होकर प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश के जौनपुर ईंट भट्टा में काम करने के लिए जाते। इससे पूर्व ही कामता होल्ड के पास बस अनियंत्रित हो गई और ताड़ के पेड़ में तोड़ते हुए 10 फीट नीचे गड्ढे में जाकर पलट गई। हादसे के बाद गांव में जहां अफरा तफरी मच गया, वहीं बस पर सवार मजदूरों के चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने बस के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला और तत्काल इसकी सूचना हिलसा थाना पुलिस को दी। घायलों को इलाज के लिए हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल एवं निजी अस्पताल में भर्ती कराया। एक दर्जन से अधिक लोग जख्मी हैं। जख्मी में कामता गांव के ललुन मांझी के 35 वर्षीय पुत्र छट्टू मांझी, रामभंजन मांझी के 40 वर्षीय पुत्र इंदल मांझी, संजय मांझी के 40 वर्षीय पत्नी दुर्गा देवी, सुदामा प्रसाद के 25 वर्षीय पत्नी सुजाता देवी, बच्चू मांझी के 23 वर्षीय पुत्र सुदामा मांझी, इंद्र मांझी के 50 वर्षीय पत्नी गीता देवी, राकेश मांझी, मदन मांझी इत्यादि शामिल हैं। झंझू मांझी को चिंताजनक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर किया गया है। बताया जाता है कि ड्राइवर नशे की हालत में थे, इसका वजह से बस ड्राइवर ने अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। घटना के बाद घटनास्थल पर से बस चालक फरार हो गया है। बताया यह भी जा रहा है कि इस घटना में साफ देखा जा रहा है कि बस में क्षमता से अधिक सवारियाँ भरी हुई थी। मजदूरों का कहना है कि बस के अंदर लोग सवार थे और कुछ छत पर बैठे थे, जहां लोगों का यह भी कहना है कि ड्राइवर और खलासी दोनों शराब के नशे में थे। गांव से बस खुलते ही तेज रफ्तार चलने लगा, महज कुछ दूरी जाते ही बस गड्ढे में पलट गई है। हिलसा थानाध्यक्ष अभिजीत कुमार ने घटना की सूचना मिलने के उपरांत घटनास्थल पर पहुँचे हैं और घटना की जाँच पड़ताल कर रहे हैं। एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी है, हालाँकि इलाज के लिए ले जाया गया है। इसका पता लगाया जा रहा है कि ड्राइवर भी मौके पर से फरार है और पुलिस सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। हाँ, तो एक आदमी चापा हुआ था, उगर बादशाह मिल के जोड़ लगा के हिंच के उसको निकाले। वो आदमी मैंने पूरा लतपत में था, उसको हॉस्पिटल ले जाके भेज दिया गया। आदमी जख्मी का अनुमान लग रहा है। ऐसे जख्मी तो 5-6 आदमी है, लेकिन वो ज़्यादा मतलब जख्मी है। घंटू मांझी मैंने कि फर्स्ट आया उधर से तेजा में, तेज में मारा झटका, बायां साइड लेकर के मार दिया कैश करके। आप लोग कहाँ जा रहे थे? जौनपुर जा रहे थे। कितने लोग थे? मेरा में 100 आदमी। 100 आदमी। हाँ। और के वो घायल है? के वो मेरा 15-20 से ज्यादा घायल। 15-20 को घायल है। आपका क्या नाम है? हमका। हाँ, सरजू मांझी। सरजू मांझी। इंदल मांझी। इंदल मांझी। कैसे कैसे बस से सर जा रहे थे भट्टा पर, बस पलट भट्टे पर जा रहे थे। भट्टा पर कौन कहाँ? जौनपुर जा रहे थे जी। जौनपुर। जौनपुर। अच्छा, और कहाँ से जा रही थे? कमता से। कमता गाँव से जी। करीब कितना दूर हो गए बस पर? ये हम भी कम से कम 50-60 हुए। 50-60। अच्छा, बुच्ची मिलाकर सारे लोग जा रहे थे। सारा लोग जा रहे थे। कैसे कैसे उन्हें सारा थे पलट दिया, खिड़की बांस लेकर चल गया। काम था। क्या हुआ था? गाड़ी पलटी खा गया था, वो भट्टा पर जा रहा था कमाए था। कहाँ भट्टा पर जा रहा था? जौनपुर। जौनपुर कौन राज्य में पड़ता है? इतना तो थे जौनपुर खाली जानते हैं, यूपी में।
बोलते जाना ना सब कुछ गाड़िया चढ़ा लेता है। अच्छा, तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कमता से जा रहे थे। कमता से जा रहे, कितना आदमी थे? अब कितने एक बस है थे सर, कितना 50-60 बस तो दो बस खुला है सर, तो एक बस पलटी खा गया, एक बस सही है। कैसे घटना? तो घटलन दम आस्ते आस्ते धीरे धीरे गिरलन है। घटना घटलन यही कि राह छोड़ के किरगी दिया ले गलन है, गते गते घटलन है। अच्छा, किरगी दिया ले जा रहा है, पलट गया, पलट गलन। आप भी बैठे हुए थे?